अस्सलाम वालेकुम। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज एक और नई रेसिपी जो नॉनवेज की है यानी कीमे की है और इसका नाम है भरवा शिमला मिर्च। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए देखते हैं भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने शिमला मिर्च लिए हैं 1/2 किलो है, जिसमें मैंने 4 दिए मीडियम साइज़ के इस तरह से लिए। इसका मैंने बीच का पोर्शन जो है चाकू से कट करके और उसे रिमूव कर लिया और साथ में सीड्स वगैरह जो है अंदर की तरफ थोड़ा सा ढकेल दिया है, आपको इस तरह से दिख रही होंगी। साथ में मुझे लगेगा कीमा, मैंने 200 ग्राम कीमा लिया था जिसे वॉश करके इसका सारा पानी ड्रेन कर लिया है। और इसके साथ में सब्जियां लगेंगी कुछ, जैसे कि ये कैबेज यानी पत्ता गोभी जिसे मैंने बारीक काट लिया है, ये तकरीबन आधा कप है। टमाटर मैंने 2 स्मॉल साइज़ के लिए हैं, इसे भी बारीक कट कर लिया, ये भी आधा कप है। प्याज भी मैंने बारीक कट कर लिया, ये भी आधा कप है। और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, ये मीडियम तीखी हरी मिर्चें हैं, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जिसे मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। मसालों में मुझे लगेगा अदरक, 1 इंच का अदरक लिया था जिसे इस तरह से कद्दूकस कर लिया है मैंने। और साथ में मुझे लगेगा लहसुन जिसे इस तरह से मैंने बारीक कट कर लिया है, ये 8 से 10 का लिया है। साथ में लगेगा धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, और हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, और नॉर्मल जो हमारी रेड चिली पाउडर होता है लाल मिर्च वो भी आधा चम्मच। आप लोग फिर से मैं बोलूँगी कि आप लोग अपने हिसाब से ही कमियाँ ज़्यादा करिएगा। जो टेस्ट होता है लाल मिर्चों का वो अलग होता है, हरी मिर्चों का जो है वो अलग होता है, इसलिए मैं यहाँ दोनों यूज़ कर रही हूँ। साबुत जीरा मैं लूँगी 1 चम्मच, और धनिया की पत्तियाँ कुछ मैंने शुरू में डालने के लिए ली हैं और कुछ जो है मैं एंड में डालूँगी। और साथ में मुझे लगेगा 1/2 लीम्बू का रस और नमक और तेल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया जिसे गरम कर लिया है और इसमें तकरीबन मैंने 1 चम्मच जो है तेल ले लिया है। अभी तेल मैं कम ले रही हूँ, बाद में हमें और 1 चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए सबसे पहले जो है मैं इसमें डाल दूँगी जीरा। देखिए जीरे में जो है अभी क्रैकलिंग साउंड आने लगी है, तो अब इसी लेवल पर जो है मैं इसमें अदरक और लहसुन भी डाल दूँगी। इसे थोड़ा सा सिर्फ भुनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें गलाना नहीं है इसे। और साथ में हरी मिर्चें, बस इसे 1 से 2 मिनट के लिए ही हमें तेज़ आंच पर भुनना है। बस इतना कि इसमें जो है हल्का सा जो पका रहे हम लोग उसका स्मोकी फ्लेवर थोड़ा सा आ जाए बस। देखिए ये लेवल पे अब मैं इसमें जो है प्याज डाल दूंगी। प्याज को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, बस इतना कि वो हल्का सा बस कलर जो है इसका भुन जाए। चलिए इसे 2 मिनट में तेज़ आंच पे ही भुनूंगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए प्याज जो है वो हल्का सा भुन गई है। अब मैं इसमें जो है कैबेज जो बारीक कटी हुई है ये डाल दूंगी और साथ में टमाटर जो है वो भी डाल दूंगी। इसे भी बस 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भुनना है, उसके बाद जो है हम लोग इसमें तमाम मसाले और कीमा साथ में डाल देंगे। चलिए इसे 1 मिनट के लिए भून लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये काफ़ी अच्छा जो है अभी भुन गया है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं गलाना है। इसी लेवल पर जो है मैं इसे तमाम मसाले जो है वो डालूंगी और साथ में डालूंगी जो कीमा है हमारा वो। और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे हम लोग। अभी मैं आंच तेज ही रखती हूँ क्योंकि कीमा जो है वो भी अपना पानी छोड़ेगा, और नमक अभी हमने इसमें नहीं डाला है, वो थोड़ा सा लेट डालेंगे। चलिए थोड़ा भून लेते। देखिए कीमा जो है इसे अपना पानी छोड़ने लगा है थोड़ा थोड़ा। अब इस लेवल पर जो है मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैं यहाँ 1 चम्मच डाल दूँ और साथ में डाल दूँगी नींबू। और इसे नींबू के रस के साथ ही पकाऊंगी और इसे ढक लेती हूँ मैं, और धीमी आंच पे कीमा गलने तक हम लोग जो है इसे भून लेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं वो भी एक अच्छा कलर ले आए, टमाटर प्याज जो है वो तमाम चीज़ें एक साथ गल जाएँ और सब्जियों की जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी और कीमा जो है वो दिख कर आएगा। चलिए उस लेवल तक मैं इसे भून लेती हूँ ढककर, और गलने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए मुझे इसे पकाते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गया है और कीमा जो है काफ़ी अच्छा ड्राई हो गया है। अब इस लेवल पे जो है मैं इसमें डालूँगी धनिया
और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जैसे ये ठंडा होगा हम लोग इसे शिमला मिर्च में भरने लग जाएंगे। तो चलिए इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह से भरना है। चलिए ये जो है हल्का ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हमें। तो ये मेरी शिमला मिर्चें हैं, इसे मैं क्या करूँगी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसमें जो कीमा है, ये मिक्सर है, उसको इस तरह से स्टफ़ कर लेंगे हम लोग। जितना ज़्यादा आप लोग इसमें स्टफ़ कर लेंगे उतना ज़्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि फिर जितना टाइट ये भरा रहेगा उतना वो शिमला मिर्च जब गलेगा तो लूज़ नहीं हो पाएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से दबा के भरना है, इस तरह से। चलिए मैं तमाम भर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। शिमला मिर्च देखिए मैंने तमाम के तमाम जो है फिल कर लिए हैं, और ये जो है थोड़े से मसाले मेरे पास बच गए थे, ये शिमला मिर्च है मेरे, और ये थोड़े से मसाले मेरे बच गए थे, इसमें मैंने एक चम्मच और तेल डाला है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और थोड़ा सा पानी डाला है। अब इससे मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी, और इसमें जो है ये शिमला मिर्चें जो है हमारी वो डायरेक्टली डाल दूँगी। तो उससे क्या होगा कि जो कीमे का फ्लेवर है वो शिमला मिर्चों में बाहर और अंदर दोनों तरफ से आएगा, तो शिमला मिर्चें जो हमारी अच्छे से पक जाएंगी। हल्का सा बस भाप देना है इसे, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, वरना क्या होगा कि शिमला मिर्चें जितनी है वो श्रिंक हो जाएंगी और कीमा जो है सारा बाहर आ जाएगा। हमें वैसा नहीं करना है, इसलिए हल्का सा सिर्फ भाप देंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं इसे बंद कर लेती हूँ, और 5 मिनट के बाद आपको दम करने के बाद फिर दिखाती हूँ। चलिए 5 मिनट हो गया, देखते हैं शिमला मिर्चों का क्या हाल है। देखिए मिर्चें जो है हमारी काफ़ी अच्छी गल गई हैं, मैं इसे जो है एक एक करके प्लेट में निकाल लूँगी, और जो मसाले हैं वो भी मैं प्लेट में निकाल के और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये तैयार है गर्मा गर्म, बहुत ही अच्छी बहुत ही आसानी से बनने वाली शिमला मिर्चें। आप लोग इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ।